कोई अप्राप्ति नहीं। बाबा कहता था कोई पूछे ना आपको क्या प्राप्ति हुई है यहां, तो उसको जवाब क्या देंगे, लिस्ट कितनी सुनाएंगे। तो शॉर्ट में यही कहो कि हमको अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है जो हमारे खजाने में नहीं। तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं माना सर्व प्राप्ति। अभी सर्व में तो सब कुछ आ गया ना, अभी कौन सी लिस्ट कम है ही नहीं, तो क्या कम करूं। तो वो घड़ी तो बाबा ने अपना हमको बना दिया, मेरा बच्चा कहा भगवान ने, कम बात थोड़ी। भगवान किसको स्वीकार करे, भगवान को तो हम सब स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान हमको स्वीकार करे कितनी बढ़िया बात है। तो बाबा ने अभी फिर आगे बढ़ने के लिए, बाबा ने तो तकदीर की लकीर खींची, लेकिन इस तकदीर के लकीर को कायम रखने के लिए, कोई उल्टा सुल्टा काम होता है तो भाग्य की लकीर खत्म हो जाती है ना। आप देखेंगे ये जो ज्योतिषी लोग देखते हैं हाथ, हम लोग तो नहीं इतना फेत रखते, लेकिन वो जो देखते हैं वो भी बार बार देखते हैं कि आपका फर्क हुआ है, इस लकीर में आपका फर्क हुआ है। बाबा ने तो दे दिया, लेकिन उस भाग्य को हम स्मृति में रखते हुए बढ़ाते चले, उस भाग्य को अपने जीवन में हर समय अनुभव करते चले, उसके लिए बाबा ने हम सभी को भाग्य की लकीर खींचने के लिए एक कलम दे दिया है। कलम क्यों दिया है कि जितनी लंबी लकीर भाग्य की आपको आगे के लिए भी खींचनी हो उतनी खींच सकते। तो वो कलम क्या है जिसे हम अपनी वर्तमान और भविष्य की लकीर लंबे से लंबी खींच सकते। लंबे में लंबे समय है, पूरा कल्प, पूरे कल्प के लिए हम अपनी लंबी लकीर खींच सकते हैं। वो कलम है श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म का कलम हम सबको बाबा ने दे दिया है। आपके हाथ में कलम है, है? जिसके पास ये कलम है वो हाथ उठाओ। कलम है पक्का, टूट तो नहीं गया। अभी बाप समान बनने के लिए दो बातें बाबा ने हमको सहज करके दी है, ज्यादा विस्तार नहीं दिया। बाबा कहते सिर्फ दो बातें करो, ध्यान में रखो। वो दो बातें कौन सी है? एक बाबा की याद, दूसरी सेवा। ये दो जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, और तो इसमें सब कुछ आ जाता है। इन दो बातों से हम अपने भाग्य की लकीर को जितना चाहें उतनी लंबी कर सकते हैं।